Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another most requested product review and most hyped or I would say most used product in the market, and this one is Emollient cream. I don't know कब से मैं इसको ढूंढ रही थी. पहले तो ये कहीं पे अवेलेबल था ही नहीं, ना तो Amazon पे, ना ही किसी फार्मेसी की साइट पे. इवन यहाँ पे जो लोकल मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे भी अवेलेबल नहीं था. एंड वन फाइन डे मैं कुछ वैसे ही सामान लेने गई थी केमिस्ट के शॉप पे, एंड देन आई सॉ दिस एंड आई वाज लाइक जस्ट गिव इट टू मी, आई नीड टू ट्राई दिस वन आउट. मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा इसमें है क्या जो इतनी हाइप इसकी मची हुई है, जिसको देखो Emollient 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 लगा हुआ है. मैंने कहा यार चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैंने कर लिया है, इंग्रेडिएंट्स मैंने देख लिए हैं, सब कुछ रेडी है. सो फटाफट से शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की ये पैकिंग में आती है ब्लू कलर की, जिसपे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन मिलता है. इंग्रेडिएंट लिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग इज गिवन ऑन दिस आउटर पैकेजिंग. दैट्स द इनसाइड टिन ट्यूब पैकेजिंग, इट्स नॉट अ प्लास्टिक पैकेजिंग. ये टिन का पैकेजिंग है. यहाँ पे छोटा सा कैप है जहाँ से आप प्रोडक्ट को ले सकते हो. 100 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर जस्ट 315 रुपीज़. सो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल कंसीडरिंग द फैक्ट कि यहाँ क्वांटिटी आपको 100 ml मिल रही है. तो जिस पे सूट कर गया उसकी तो बल्ले बल्ले है, बट क्या ये सच में सेफ है यूज़ करना? उसके लिए इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने चेक किए, तो बेसिकली तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल वाला क्रीम. सो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज़ बेसिकली अ ह्यूमेक्टेंट जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, मॉइस्चर को बैलेंस करने में हेल्प करता है. तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है एक साइड पे, ईच ग्राम कंटेन 15 mg ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल. एंड इसमें जो प्रजर्वेटिव यूज़ हुआ है दैट इज़ डायजोलिनटिनाइल यूरिया 1.5 mg. तो ये दो इंग्रेडिएंट आपको इनकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में नहीं मिलेंगे. लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में इसमें ऑन द टॉप डली हुई है लेसिथिन, विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट. इट्स ग्रेट अगर आपका सन एक्सपोजर से पिगमेंटेशन हुआ है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, बिकॉज दिस इज रिच इन वाइटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है. उसके बाद इसमें डला हुआ है मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, जो कि एक नेचुरली अकरिंग क्ले बोल सकते हो आप, जिसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिका एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रहता है. उस क्ले को रिफाइन करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस पाउडर को इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है टू यू नो इनके टेक्सचर को बढ़ाने के लिए, टेक्सचर एनहांसमेंट एंड ऑल के लिए. उसके बाद इसमें डला हुआ है कार्बोमर 934P, जो FDA ने सेफ ही कंसीडर किया हुआ है, बट वो कहते हैं कि अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन इसका लगाते हो तो आपकी आईज और स्किन के लिए ये इरिटेशन कॉज कर सकता है. तो आई डोंट नो कितना कॉन्सेंट्रेशन इसका इसमें डला हुआ है. उसके बाद इसमें डली हुई है ग्लिसरिन, विच इज़ अगेन अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, pH एडजस्टमेंट के लिए कैप्रिक एसिड ट्राइग्लिसराइड है. कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड जो एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है. उसके बाद है डीमेथिकॉन जो कि एक सिलिकॉन है, बेटर स्प्रेडिबिलिटी में हेल्प करेगा. उसके बाद इसमें डली हुई है स्क्वालीन जो आपके स्किन को कंडीशन करने में हेल्प करती है, बेसिकली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है. उसके बाद इसमें डला हुआ है एक फैटी एसिड, स्टीरेट्स डले हुए हैं ग्लिसरीन और ग्लाइकॉल के ही. उसके बाद फैटी अल्कोहल डला हुआ है, एंड बाद इसमें एक एस्टर डला हुआ है विच इज़ लाइक फाइन. एंड उसके बाद इसमें डला हुआ है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल विच इज़ BHT. सो यूजली इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन इट्स नॉट एट ऑल सेफ फॉर प्रेगनेंट वुमेन. के बाद जो इसके अंदर इन्ग्रीडियंट डला हुआ है ना, वो तो प्रेगनेंसी तो सेफ है ही नहीं है. इवन नॉर्मली भी अगर आप उसको यूज़ करते हो तब भी वो सेफ नहीं है, विच इज़ टॉलुइन. टॉलुइन हम सबको पता है नेल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जो नेल थिनर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है. तो अगर आप इसको स्किन पे लगाते हो तो आपकी स्किन डेफिनेटली इरिटेट होगी. इट्स नॉट गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो एंड इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल इसको मत लगाना, अदरवाइज ये डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, प्रीमेच्योर लेबर कॉज कर सकता है. बट अगेन वी डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन कि इसमें कितना डाला हुआ है, एंड देन वाटर एंड EDTA डाला हुआ है. सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो ये लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रखी है ये कैसे है, लाइक ऊपर से नीचे मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, ना ही यूरिया मेंशन है. वो अलग से लिख रखे हैं एंड लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट अलग से दे रखी है.
सो आई डोंट नो कितना परसेंट क्या है, सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड एंड नॉट इवन विद दिस टू इन्ग्रीडियंट्स विच आर नॉट सेफ. टेक्स्चर की बात करूँ तो टेक्स्चर इसका काफ़ी प्यारा है, लाइट जेल क्रीम टेक्स्चर है. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको हैंड पे अप्लाई किया मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा वाओ. एंड देन मैंने इसको एक बार फेस पे अप्लाई किया मॉर्निंग में, एंड शाम तक मेरे को ना छोटे 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 वाइट कलर के जैसे वाइट हेड्स निकल जाते हैं ना, उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आप बोल सकते हो, वाइट वाइट कलर के ऐसे छोटे 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 वाइट हेड से निकल गए, जिनको मैंने जैसे हाथ से अगर मैं ऐसे करूँ तो वो निकल रहे थे, वो निकल गए. उसके बाद मैंने इसको मुंह पे नहीं लगाया, मैंने कहा नो इट्स नॉट फॉर मी, बिकॉज ये लिखा हुआ है कि दिस क्रीम इज़ फॉर ड्राई स्किन. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे हैंड्स ड्राई हैं तो मैं इसको हैंड्स पे टेस्ट आउट करती हूँ. सो पिछले दो दिन से मैं इसको हैंड्स पे ही यूज़ कर रही हूँ, एंड येस हैंड्स को ये काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही थी. पर जब मैंने इसके रिव्यू के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए, देन आई फाउंड टॉलुइन देयर, एंड देन आई फाउंड कि इट्स नॉट एट ऑल प्रेगनेंसी सेफ, देन आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस वन. तब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, आई विल गिव इट टू माय मॉम, वो अपने हैंड्स पे या पैरों पे कहीं पे भी लगा के इसको ख़त्म कर लेंगी, पर अभी तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी. सो फेस के लिए तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर avoid using this one, it's not at all safe during pregnancy and breastfeeding. If you are a dry skin person you can use this one, and वैसे भी इस पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करें तभी इसको लगाना, तो ऐसे ही उठा के मार्केट से इस तरह के फार्मेसी वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए अनटिल आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है. वैसे तो देखो ये मिल जाते हैं, बट स्टिल जब प्रोडक्ट के पीछे यहाँ पर साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है दैट वार्निंग to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only. तो आप ऐसे ही कुछ भी खरीद के ना लगाएं, हमेशा पहले डॉक्टर की सलाह लें. अगर वो कहते हैं कि हाँ यू कैन गो फॉर दिस वन तभी इसकी तरफ जाना, ऐसे मत जाना. एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस नहीं कर पाई है, इट्स अनदर फेल फॉर मी. फार्मेसी की मैंने आई थिंक जितने भी अभी तक प्रोडक्ट ट्राई करे हैं मोस्ट ऑफ देम आर फेल फॉर मी, बट स्टिल ट्राई करना था एक बार, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, वो मैंने कर दिया. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय.